नमस्कार दोस्तों, मैं उदितन चौधरी और आप देख रहे हैं जेके एरुटेक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंट के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में आज हम सीखेंगे कि पेंट में कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जेके एरुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जो पेंट दिखाई दे रहा है या तो यहाँ पर क्लिक करेंगे या तो यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है इसमें टाइप कर देंगे पेंट। और जैसे ही आप पेंट टाइप करेंगे ये जो है होगा और इसको जो है ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है ओपन होने के बाद आपके सामने जो है बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें जो है होम वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है आप जो है जिस तरीके का आकृति को डिजाइन करना चाहते हैं, जिस तरीके के शेप को, जैसे कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, चतुर्भुज, तो ऐसे आप जो है ड्रॉ करके रेक्टेंगल को बना सकते हैं। और इसमें आप जो है कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए जो बाल्टी की तरह जो है ये दिख रहा है फिल बॉक्स वाला कलर, इसमें जो है कलर को फिल कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक कलर था, अगर इसमें आप येलो कलर फिल करना चाहते हैं तो येलो कलर जो है फिल हो जाएगा। या इसके अलावा और भी कोई कलर जो है आप फिल करना चाहते हैं इसको फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को जो है आप जो है यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आपको स्टार बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार वाले पे। इस तरीके का जब आ जाएगा तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है स्टार बना सकते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है, जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं शेप आउटलाइन। इसकी आउटलाइन को आप जो है यहाँ जो आउटलाइन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई बॉक्स खुलेगा किस तरीके का चाहिए आपको, उस तरीके का सॉलिड कलर चाहिए। और यहाँ पर साइज, मतलब जो आउटलाइन है उसकी साइज जो है कितनी मोटी होगी, इस तरीके का कर सकते हैं। और इस बाल्टी पर क्लिक करेंगे बॉक्स वाले पेंट बॉक्स पे, पेंट बकेट पे, और जी जो कलर हमें फिल करना है चूज करके फिल कर देंगे। इसके अलावा अगर हमें कुछ टाइप करना है तो जो ए दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट है, इस ए जो है टेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि जे के को जो है सेलेक्ट कर लेंगे, फिर होम वाले पे क्लिक करेंगे। यहां से जो है इसका कलर चूज कर लेंगे। और यहां टेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स से इसका फॉन्ट जो है बदल सकते हैं। देखिए बदल रहा है, अब जो है ये दूसरे स्टाइल में हो गया। फिर इसके फॉन्ट को बताते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो है फॉन्ट जो है इस तरीके का हो गया। इसके फॉन्ट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये टेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है फॉन्ट साइज है, इस पर क्लिक करके इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये लिखी हुई, अगर इनको डिलीट करना है तो ये इरेजर है, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल की के साथ जो है प्लस वाला बटन दबा देंगे तो बड़ा हो जाएगा। और इसको जो है ऐसे मिटा सकते हैं, देखिए मिट रहा है, जो भी हम टाइप किए हैं ये जो है मिटेगा। जो लाइन ड्रा किए थे इस लाइन मिट गए, इससे जो आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य किसी को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।